हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जूयूजी की फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लाए हैं। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आइए बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है। दरअसल जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग दो दर्जन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड रोक दिया गया है। एडमिट कार्ड क्या कर दिया गया है? रोक दिया गया है। ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है। अब ये दो दर्जन जो विद्यालयों का एडमिट कार्ड रोका गया है, अब ये कौन कौन से विद्यालय हैं, कहाँ के विद्यालय हैं, अब पहले बात कर लेते हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की। आप जानते हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे ये बीए के हों, चाहे ये बीएससी के हों और चाहे ये बीकॉम के हों, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए जो दो दर्जन विद्यालयों का एडमिट कार्ड रोका गया है, क्यों इनका एडमिट कार्ड रोका गया है? दरअसल बात ये है कि जो इस बार पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यूजी का एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो किस पे बेस्ड है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है। कैसा हो रहा है? सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है। और जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम लागू किया था, कब से लागू किया है? वो सितंबर में बात लागू किया है। कब से बात हुई? सितंबर में। अब मामला सितंबर के पहले का है। आपको मालूम है जो इस सीजन में अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते थे वो कैसे होते? एनुअल एग्जाम होते थे, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम यहाँ पे बात करें, कुछ जुलाई अगस्त में कुछ कॉलेजों ने अपने कॉलेज में बच्चों का एडमिशन स्टार्ट कर दिया। जब जुलाई और अगस्त में बच्चों का एडमिशन लिया गया, उस टाइम आप जानते हैं जब एनुअल एग्जाम था तो उस टाइम 1648 रुपए एनुअल एग्जामिनेशन फीस हुआ करती थी। कितना? एनुअल एग्जामिनेशन फीस हुआ करती थी। अब ये देखिए इसी फीस के बेस पे उन्होंने क्या कर दिया, जुलाई अगस्त में अपने कॉलेज के बच्चों को एडमिशन ले लिया। कौन थे ये? ये दो दर्जन कॉलेज के स्टूडेंट थे, ठीक है। अब देखिए जब सितंबर में आप क्या कह सकते हैं, जब सितंबर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब नए बच्चों का एडमिशन होना स्टार्ट हुआ, तो जो एग्जामिनेशन फीस थी वो 1400 रुपये पर सेमेस्टर हो गया। कैसा हो गया? 1400 रुपये पर सेमेस्टर। इसका मतलब जो एक साल का फीस हुआ कितना हो गया? 2800 रुपये हो गया। 2800 रुपये। आपको मालूम है अगर यहाँ पर बात करें, जो सेमेस्टर एग्जाम होता है एक साल में, दो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो 1400 रुपये एक सेमेस्टर का और 1400 रुपये एक सेमेस्टर कितना हो गया? 2800 रुपये हो गया। अब देखिए फीस कितनी होगी? 2800 रुपये। अब यहाँ पे अब जो इस विद्यालय के प्रबंधक लोग थे, ये क्या काम किए, आए यूनिवर्सिटी में और जो वित्त अधिकारी थे संजय कुमार राय जी से, उन्होंने कहा कि जो हमारे कॉलेज में क्या हुआ कि हमने जुलाई अगस्त में फीस एडमिशन बच्चों का ले लिया और उस टाइम फीस इतना रुपए था, तो इसी के बेस पे हमने एडमिशन लिया है, बट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फीस कितना हो गया? 2800 रुपए हो गया, तो हमें क्या करिए, रियायत दे दीजिए और उसके बाद फिर न्यू सेशन से हम एडमिशन आपके नए प्रोसेस से शुरू करेंगे। उस क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ने उनको रियायत देने से मना कर दिया। अब जब एग्जाम की टाइमिंग आई तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ने इन सभी दो दर्जन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी ही नहीं किया। अब फर्दर ये सब प्रबंधक समिति के लोग आए कॉलेज में यूनिवर्सिटी में और उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों का एडमिट कार्ड जारी कर दीजिए, हम आप जो भी होगा हम इसको निर्णय हमें रियायत दे दीजिए। तो यूनिवर्सिटी ने फर्दर फिर कहा कि हम रियायत नहीं दे सकते। अब ये लोग क्या कर दिए, अब ये लोग कोर्ट चले गए। कहाँ चले गए? कोर्ट चले गए, कोर्ट के शरण में चले गए। अब कोर्ट का शरण कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट में 25 मार्च को इनकी सुनवाई होने वाली है। 25 मार्च को इनका सुनवाई है। अब देखिए आपका जो मालूम होना चाहिए कि जो यूजी की एग्जामिनेशन है वो कब से स्टार्ट है? 24 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है। 24 मार्च से अगर एग्जाम स्टार्ट है, 25 मार्च को इनकी सुनवाई है। अब ये देखिए जो इनके प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं सूर्यभान यादव जी, उन्होंने कहा ऐसा है आप हमसे एक हलफनामा ले लीजिए, हलफनामा लेने के बाद सभी बच्चों का एडमिट कार्ड जारी कर दीजिए, 25 तारीख को कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसके अकॉर्डिंग फीस जमा कर देंगे। तो फिलहाल अभी इस मामले पे किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है। काफ़ी लोगों ने यह अनुमान लगाया कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 24 से चेंज होकर 28 मार्च हो गया, बट अभी तक ऑफिशियल साइट पर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। इसलिए जब तक नोटिस नहीं आता आप लोग यह मान के चलिए कि हमारा एग्ज़ाम 24 मार्च से ही स्टार्ट है, और ऑफिशियल साइट पर अगर नोटिस आ जाएगा तो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, आपके फ्रेंड सर्कल के द्वारा या हम लोग के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम 24 से ना होकर 28 से हो गई। बट जब तक नोटिस नहीं आती आप लोग क्या मान के चलेंगे, हमारा एग्ज़ाम 24 मार्च से ही स्टार्ट होगा।
आज 22 मार्च है, कल 23 मार्च, फिर 24 मार्च, लगभग 2 दिन का पूरा समय बचा हुआ है। यूनिवर्सिटी हो सकता है इस मैटर का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ले, और अगर सोल्यूशन निकाल लेती तो आपका एग्ज़ाम 24 मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगा। बट जब तक किसी प्रकार का ऑफिशियल न्यूज़ या स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आप लोग ये नहीं मानेंगे कि आपका एग्ज़ाम चेंज हो चुका है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को और बेहतर बनाइए, क्या मानते हुए हमारा एग्ज़ाम 24 मार्च से ही स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।